ग्वालियर में अवैध खनन और अवैध रेत का परिवहन तमाम कोशिशों के बावजूद भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। देहात पिछौर थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि कैथोदा और बाबूपुर के रेत घाट पर रेत माफियाओं द्वारा अवैध तरीके से रेत का कारोबार किया जा रहा है। इसकी सूचना मिलने पर पिछौर थाना प्रभारी बलविंदर ढिल्लन पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे, जहां माफियाओं को कार्रवाई की भनक लगते ही वो पनडुब्बियों को लेकर भाग निकले। पुलिस ने दो ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त कर ली है और थाने पहुंचा दिया है। पिछोर थाना क्षेत्र में अवैध रेत उत्खनन की शिकायतें प्राप्त होने पर कल थाना प्रभारी पिछोर द्वारा अपनी टीम लेकर अवैध रेत उत्खनन की तस्दीक करने गई थी। तो वहाँ खेतोदा घाट पर पनडुब्बियाँ चलती हुई पाई गई, तो उनको नष्ट किया गया वहाँ पनडुब्बी की सामानों को, और दो ट्रैक्टर अवैध रेत उत्खनन के मिलने से उनको जब्त किया गया।